सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द डे वन ऑफ 75 डे हार्ड चैलेंज। सो सुबह जल्दी उठ के पानी पी के फ्रेश हो जाता हूँ एंड अपना लॉ का रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। एंड फाइनली ऐसे मैं सोगा स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत दिनों से मैं टीका का डिटेल रिवीजन कर रहा था, प्रोविजंस को रिकॉल कर रहा था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, बट आज से सोगा स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि टीका ऑलमोस्ट हो गया है। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके पास ओल्ड मॉड्यूल है, आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है। सो गाइस रिलैक्स, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही है। वो बुक्स मेरे फ्रेंड्स के, एक्चुअली मैंने रजिस्ट्रेशन में लेट करने वाला था और बुक्स भी फिर लेट आते तो उसका मैं वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड से बुक लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और लॉ का रिविजन करने के बाद मैं चने खाकर आउटडोर वर्कआउट के लिए निकल जाता हूँ और वहाँ पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले वार्म अप किया और फिर 50 स्क्वाट्स लगाया एंड देन 20 स्क्वाट जंप लगाया। एंड सच बोलूँ ना तो स्क्वाट जंप लगाने में ना हवा टाइट हो जाती है, पूरा पैर दर्द करने लगता है। एंड देन स्कूल टाइम में सर ने बहुत सारे योगा आसन सिखाए थे तो उसमें से कुछ कर लेता हूँ और फिर 50 नॉर्मल पुशअप और 20 हिंदू डंडे लगा के मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर देता हूँ। एंड आज से 1.5 ईयर पहले जब मैंने 100 डे मॉर्निंग वॉकिंग चैलेंज लिया था तो मैं डेली यहाँ ही आया करता था और फिर घर पे आके मैं जल्दी से फ्रेश होके अपने हैबिट ट्रैकर को स्टिक कर देता हूँ। और ये हैबिट ट्रैकर मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड ये 4 लीटर पानी आज हमें ख़त्म करने का है। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपना लॉ का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने, तब तक के लिए आप लोग टाइम लैप्स को एंजॉय करो। और लॉ के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद मैं थोड़ा बहुत फोन यूज कर लेता हूँ एंड देन प्रीवियस ईयर अकाउंट्स के आरटीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने लगता हूँ। और किसी ने तो कमेंट किया था कि नैप लेते तो 2-3 अवर निकल जाता है, इसका क्या करें। सो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस अपने टेबल पर नैप लिया करो एंड अपने अकॉर्डिंग ना अलार्म लगा लिया करो 10-15 मिनट्स का, क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था तो मैंने यही किया। मैंने ये आरटीपी का मॉड्यूल 1 के सारे क्वेश्चन कर लिया हूँ, मॉड्यूल 2 का बच्चा है जो कि मैं कल करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने और लंच करने बाद थोड़ा बहुत टाइम पास करके मैं अपना मैथ्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ एंड ये हमारा एक मॉड्यूल ख़त्म भी हो गया। और आज मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है एंड थोड़ा बहुत ईजी भी है। एंड 4:30 तक हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, फिर मैं अपना सेकंड वर्कआउट स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करके 30 नॉर्मल पुशअप लगाता हूँ, फिर 20 वाइड रेंज पुशअप, 20 इंक्लाइन पुशअप, 20 डिक्लाइन पुशअप एंड देन 20 हिंदू डंड पुशअप लगाता हूँ एंड देन थोड़ी बहुत एप्स की वर्कआउट कर लेता हूँ। और ये आज की पिक जो कि मुझे दिखाने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बट आई प्रॉमिस इस 75 डे हार्ड चैलेंज में मैं इसे भी ट्रांसफॉर्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड देन मेडिटेशन करके मैं अपना बुक रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे मैं एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ रहा हूँ और स्टार्टिंग ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन था जो कि उतना खास नहीं था शेयर करने लायक, बट एक चीज़ था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऑथर जेम्स क्लियर बोलते हैं कि छोटे छोटे हैबिट्स जो कि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम लोग उसे ही डेली बेसिस पे फॉलो करने लगे तो वो लॉन्ग टाइम में हमारे अंदर बहुत बेटर चेंजेस और रिमार्केबल रिजल्ट लाएगा। एंड हम सभी लोग फेलियर के साथ डील करते हैं, बट हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है हमारे क्वालिटी ऑफ हैबिट्स पर। अगर हमारा हैबिट्स वैसे ही है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी वैसे ही होगा। और अगर हम अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं, पहले से बेटर करते, तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होते जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग अपने हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये चीज़ पढ़ेंगे हम लोग आगे की चैप्टर्स में। एंड ये मैं अपना डाइट प्रिपेयर कर रहा हूँ जो कि मैं अलग ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे ज़रा भी नहीं आइडिया कि कैसा होने वाला है, सो लेट्स सी देखते हैं कैसा टेस्ट है। एंड गाइस बात करेंगे तो काफ़ी ठीक बनाता, उतना बुरा भी नहीं बनाता। एंड गाइस चलो अब इकोनॉमिक्स का रिविजन भी कर लेते हैं। एंड आज के ये सारे टारगेट्स कंप्लीट होते हैं।